बड़ी खबर लखनऊ से है, जो हजरतगंज में बैंक के कर्मचारियों का प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन, सैकड़ों की संख्या में कर रहे प्रदर्शन, गलत ट्रांसफर को लेकर आवाज उठाएंगे कर्मचारी। तो 3000 बैंक कर्मचारियों का ट्रांसफर किया गया है, शनिवार को देशव्यापी प्रदर्शन में रहेंगे कर्मचारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां हजरतगंज में बैंक के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, गलत ट्रांसफर को लेकर आवाज उठाएंगे कर्मचारी। तो 3000 बैंक कर्मचारी जो है उनका ट्रांसफर किया गया है, और इसी को लेकर बैंक कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अलीम जुड़ चुके हैं। अलीम, बैंक कर्मचारी आखिर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं और बैंक कर्मचारियों की मांग क्या है? जी, आपको बताना चाहेंगे कि ये मामला जबरन 3000 बैंक कर्मियों के ट्रांसफर का है, और बैंक कर्मियों ने जो हड़ताल की है उनका कहना है कि 30 साल उनकी पुरानी कुछ मांगे हैं जिनको न मानने की वजह से वो हड़ताल कर रहे हैं, और राजधानी लखनऊ के मुख्य चौराहे हजरतगंज पे बैंक कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए, सैकड़ों की संख्या में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम हड़ताल पर ही रहेंगे। अलीम, अगर बात करें तो क्या बैंक के कर्मचारियों से किसी ऊपर लेवल के प्रबंधक ने बात करने की कोशिश की, उनको समझाने की कोशिश की है? जी, आपको बता दें कि अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं नजर आया है, हालांकि ऐसा आने वाले समय में दिख सकता है, अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है। उसके अलावा कल 19 नवंबर को उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में बैंक कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे, जिसकी वजह से आम जनमानस को भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जी अलीम, धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अपने विभिन्न मांगों को लेकर बैंक के कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर हैं। आपको बता दें कि 3000 बैंक के कर्मचारियों का ट्रांसफर किया गया है, जिसके चलते कर्मचारियों में खासा नाराजगी है।